हेलो फ्रेंड्स, आपका श्री अनंता ट्यूटोरियल्स में स्वागत है। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि नई वीडियोस आपको मिलती रहे। हेलो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर आपके लिए लेके आई हूँ होम साइंस सब्जेक्ट के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर, जो आपके एग्जाम पीजीटी, टीजीटी, एलटी ग्रेड में लाभदायक रहेगा। इस वीडियो को आप ध्यानपूर्वक पढ़िए, क्योंकि एग्जाम्स में निगेटिव मार्किंग हो जाने से हमें उसी आंसर पर निशान लगाना पड़ता है जो एग्जैक्टली उसका आंसर है। तो चलिए मैं शुरू करती हूँ। इसका चिकित्सीय आहार एवं पोषण, इसको इंग्लिश में कहा जाता है थेरेप्यूटिक डाइट्स न्यूट्रिशन। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर जो इस प्रकार हैं। क्वेश्चन नंबर 296, चिकित्सा में आहार के महत्व को सबसे पहले विश्व परिदृश्य में लाने का काम किया किसने किया था? फ्लोरेंस नाइटेंगल ने किया था। क्वेश्चन नंबर 297, सोडियम किन किन रोगियों को कम मात्रा में दिया जाता है? इसका उत्तर है उच्च रक्तचाप, गुर्दे के रोगों और हृदय के रोगी को। क्वेश्चन नंबर 298, पेप्टिक अल्सर के रोगी जिसका घाव जल्दी भर जाए उसको कौन सा विटामिन देना चाहिए? तो घाव को जल्दी भर जाने के लिए हमें रोगी को देना चाहिए विटामिन सी, इससे घाव जल्दी भरते हैं। क्वेश्चन नंबर 299, कोमल तथा अशोभक आहार किस रोगी को दिया जाता है? इसका उत्तर है अजीर्ण। क्वेश्चन नंबर 300, टाइफाइड रोगी के आहार में किस तत्व की मात्रा अधिक होनी चाहिए? इसका उत्तर है अधिक प्रोटीन होना चाहिए और अधिक कैलोरी होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 301, आहार चिकित्सा में किसका विशेष योगदान होता है? इसका उत्तर है, देखिए योगदान तो होता है डायटिशियन, डॉक्टर और परिचारिका तीनों का, लेकिन विशेष रूप से किसका योगदान होता है? परिचारिका का। तो आंसर में आपको परिचारिका पे टिक लगाना पड़ेगा अगर ये सारे ही ऑप्शन आपको वहां पे दिखाई पड़ते हैं तो। क्वेश्चन नंबर 302, गुर्दे की पथरी होने पर किस पर रोक लगाना चाहिए? अगर गुर्दे की पथरी हो जाती है तो हमें कैल्शियम कम मात्रा में लेना पड़ता है, तो कैल्शियम कम मात्रा में लेनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 303, डायबिटीज के रोगी को किस तत्व की मात्रा ज्यादा देनी चाहिए? अगर किसी भी व्यक्ति को डायबिटीज हो गया है तो उसको प्रोटीन की मात्रा ज्यादा देनी चाहिए और कार्बोज की मात्रा को कम कर देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 304, जब खून में ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाता है तो उस स्थिति को क्या कहते हैं? तो उस स्थिति को हम कहते हैं ग्लाइकोसूरिया। क्वेश्चन नंबर 305, मानव शरीर का सामान्य ताप होता है? इसका उत्तर है 98.4 फ़ारेनहाइट। क्वेश्चन नंबर 306, नेफ्रोसिस नामक बीमारी शरीर के किस अंग में होती है? नेफ्रोसिस नामक बीमारी गुर्दे में होती है, अर्थात किडनी। क्वेश्चन नंबर 307, विटामिन सी का सर्वाधिक प्रचुर स्रोत है? तो सबसे ज्यादा विटामिन सी किस में पाया जाता है? आंवला में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 308, मधुमेह के रोगी के भोजन में बहुत अधिक कार्बोज का नियंत्रण नहीं किया जाता क्योंकि इससे निम्न हो सकता है, तो क्या हो जाता है? केटोसिस हो जाता है। तो कुछ कुछ मात्रा में उसको कार्बोज लेना ही पड़ता है और लेना चाहिए भी। क्वेश्चन नंबर 309, यहाँ पे आप एक कॉलम बनाइए जिसमें लिखिए एक तरफ रोग और दूसरी तरफ पोषक तत्व। अब इसमें सारे रोग लिखे हुए हैं और यहाँ पे पोषक तत्वों के बारे में लिखा हुआ है कि किसमें क्या हमें, किस रोग में क्या हमें लेना चाहिए। क्वाशियरकर, प्रोटीन की मात्रा अधिक होनी चाहिए। परनीशियस एनीमिया, फॉलिक एसिड, बेरीबेरी, थायमिन, ग्लाइकोसिटिस, रिबोफ्लेविन, ऑस्टियोपोरोसिस, विटामिन डी। क्वेश्चन नंबर 310, यहाँ पे भी आप एक कॉलम बनाइए। यहाँ पे मैंने आपको रोग लिखा हुआ एक तरफ, एक तरफ प्रभावित होने वाले अंग कौन कौन से होते हैं वो लिखे हुए हैं। नेफ्रोसिस गुर्दा, डायबिटीज अग्नाशय, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस हृदय, सेलिएक रोग आंत।
क्वेश्चन नंबर 311, शरीर की वृद्धि किस हार्मोन की वजह से एक रुक जाती है? क्वेश्चन इसका उत्तर होगा सोमैटोट्रोपिक हार्मोन। तो सोमैटोट्रोपिक हार्मोन की कमी से शरीर की वृद्धि रुक जाती है। क्वेश्चन नंबर 312, मलेरिया रोग किस जीव द्वारा फैलता है? मलेरिया रोग मादा एनोफिलीज द्वारा फैलता है। क्वेश्चन नंबर 313, एल्ब्यूमिन के क्या कार्य हैं? इसका उत्तर है प्लाज्मा में पानी के अंश को नियमित करना। क्वेश्चन 314, जीन का क्या कार्य है? इसका उत्तर है प्रोटीन का संश्लेषण। क्वेश्चन नंबर 315, सेरिबेलम संतुलित करता है? इसका उत्तर है घ्राण शक्ति को। क्वेश्चन नंबर 316, मस्तिष्क के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो हमें तुरंत एनर्जी पाने के लिए किस चीज का सेवन करना चाहिए? ग्लूकोज। क्वेश्चन नंबर 317, डिस्पेप्सिया नामक रोग से कौन सा तंत्र प्रभावित होता है? पाचन तंत्र। इसका उत्तर है पाचन तंत्र। क्वेश्चन नंबर 318, टाइफाइड तथा पैराटाइफाइड का टीका है? इसका टीका होता है टैब, TAB। क्वेश्चन नंबर 319, पोलियो वैक्सीन का निर्माण कब हुआ? इसका उत्तर है 1957। क्वेश्चन नंबर 320, पेचिश कितने प्रकार का होता है? पेचिश दो प्रकार का होता है, बेसिलरी तथा अमीबिक पेचिश। अमीबिक पेचिश होने का कारण होता है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक और शेयर करिए, और अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट करिए।